नमस्कार साथियों, इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे अगली क्लास में, तो इस क्लास में अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन है, केंद्रीय ऊर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। क्वेश्चन एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, केंद्रीय ऊर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, वह है जोरबीर बीकानेर। क्या नाम है? जोरबीर बीकानेर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है। राजस्थान का पशुधन जिसमें बकरियां, भेड़, गाय सब आते हैं, उनकी दृष्टि से देश में मतलब इंडिया में कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है? तीसरा। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है। एक बार वापस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, इसलिए ध्यान रखो। राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है, वह कौन सा जिला है? वह है नागौर। कौन सा? नागौर। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए इधर, राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है वह पशु कौन सा है, मतलब कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सा पशु पाया जाता है, वह है बकरियाँ। कौन सा है? बकरियाँ, जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय। क्वेश्चन एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है, वह है बीकानेर। कौन सा? बीकानेर जिला, जिसमें कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हरित क्रांति किसके प्रयासों से 1966-67 में प्रारंभ हुई। हरित क्रांति हुई थी एम एस स्वामीनाथन के प्रयासों से ये हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। हरित क्रांति का मतलब है जब हमारे भारत में गेहूं का, हरित क्रांति किसके लिए फेमस है? गेहूं के लिए। तो हमारे भारत के अंदर क्या है, गेहूं नहीं थे उस टाइम, तो दूसरी चीज़ें हम खाते थे। तो हरित क्रांति के द्वारा एन एस स्वामीनाथन ने क्या किया था, हरित क्रांति के अंदर गेहूं का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व किया कि भारत के अंदर गेहूं की हरित क्रांति के रूप में बहुत ज़्यादा फसलें पैदा करने का प्रयास किया, और इससे वो सक्सेस हुए और वो हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। तो एक एग्जाम में और क्वेश्चन आता है, हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, हो बा और जो जो बा क्या है। हो बा और जो जो बा ये किसकी किस्म है, वह है तिलहन फसल की। किसकी है? तिलहन फसल, मतलब तिल की जो फसल है उसको हो बा और जो जो बा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है। राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में गेहूं उत्पन्न होता है, वह है गंगानगर। कौन सा? गंगानगर जिला है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है, सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है। सेवन घास जैसलमेर जिले के अंदर उगती है। अगला क्वेश्चन है, देश में राजस्थान किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है, मतलब आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा है, देश में राजस्थान किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्पादक कौन सा है? बाजरा। किसका है? बाजरा का राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का अन्न भंडार के रूप में जाने वाला जिला, मतलब अन्न भंडार के रूप में कौन सा जिला जाना जाता है, वह है गंगानगर जिला, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा गेहूँ प्रचुर मात्रा में उगता है और वह उत्पादक रूप में निर्यात के रूप में भी काम किया जाता है राजस्थान के अंदर। तो गंगानगर एक ऐसा जिला है राजस्थान का जिसमें सर्वाधिक गेहूँ की उत्पादकता होती है। गेहूँ उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। जब गेहूँ गंगानगर में सबसे ज़्यादा हो रहा है तो वो क्या करेगा, देश को सप्लाई भी करेगा, तो गेहूँ उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है,
तो ये कौन सा है? पांचवा। तो सबसे ज़्यादा गेहूँ राजस्थान में गंगानगर में होता है, तो अगर स्थान पूछे तो पांचवा राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन, किस खुशबूदार उपज के उत्पादक के लिए नागौर प्रसिद्ध है? नागौर किसके लिए प्रसिद्ध है जिसमें खुशबूदार उपज के उत्पादक के रूप में? वह है मेथी। कौन सी फसल है? मेथी की फसल जिसमें उत्पादक के रूप में सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है नागौर के अंदर, मेथी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के बांगड़ क्षेत्र में क्या पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। तो बांगड़ प्रदेश आपको याद होने चाहिए, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वह कौन सा है? बेकार भूमि का मतलब जहाँ कोई भी फसल नहीं होती है और जहाँ जीव जंतु रहने वाले नहीं होते और अधिकतर भूमि खाली होती है, वह कौन सा जिला है? वह जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर मरुस्थल है, तो मरुस्थल की वजह से वहाँ पर फसलें और पानी, और जब नहीं हो पानी नहीं होगी, फसलें नहीं होगी तो मरुस्थल होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? बेकार भूमि हो जाएगी। बेकार भूमि होने के कारण वहाँ पे क्या हो जाएगी? कोई लोग रहेंगे नहीं तो क्या हो जाएगी? तो सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो वो है जैसलमेर जिला है जिसमें सबसे अधिक बेकार भूमि पाई जाती है। लेकिन आज के समय में वहाँ पे पानी स्टार्ट हो गया है, अब देखो धीरे धीरे आगे क्या होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो मिट्टी होती है उसमें खारापन व क्षारीयता की समस्या के लिए क्या डाला जाता है? तो मिट्टी के अंदर क्षारीयता मतलब लवण की मात्रा कम हो जाती है और क्षार की मात्रा बढ़ जाती है, और खारापन कम मतलब अधिक हो जाता है, तो अपन क्या करेंगे उस भूमि के अंदर जिप्सम की मात्रा डालेंगे, जिससे क्या हो जाएगा? बेस और सार दोनों के अंदर रिएक्शन क्रिया होगी और मिट्टी में क्या हो जाएगा? उपजाऊपन बढ़ जाएगा। इस वजह से अपन किसका उपयोग करते हैं? जिप्सम धातु का उपयोग करेंगे, जिससे मिट्टी की क्षारीयता और खारापन दोनों नष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह मिट्टी जिसमें चूने नाइट्रेट और ह्यूमस की कमी होती है, ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसके अंदर चूना भी कम होगा, नाइट्रेट भी कम होगा और ह्यूमस की कमी होगी? वह होगी लैटेराइट मिट्टी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए। इससे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ, तो ये क्या है, राजस्थान जी की एक सीरीज है। इस सीरीज को हम नीलाज क्लासेस की ओर से आपको फ्री में अप्लाई दी जा रही है यूट्यूब चैनल के द्वारा। तो अगर आपको ये नीलाज क्लासेस पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि जब भी आप सब्सक्राइब करो तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे क्या होगा आपके पास वो नोटिफिकेशन जल्दी पहुंचेगा और आपको ये पता रहेगा कि अगली क्लास किसकी है। थैंक यू, धन्यवाद।